जी, अगला दिन और शुरुआत जाने की कनाडा की तरफ, जहां पे माता श्री हमारा वेट कर रही हैं और भ्राता श्री भी आज ही पहुंच रहे हैं। कल जो है हमारा हैप्पी बर्थडे है, उसकी भी तैयारी करनी है। सो रेडी, ये लेट्स गेट मूविंग। चलो Your चप्पल्स आर स्टिल हियर। ये है मैडम का पुराना वॉलेट जो कि अब थोड़ा सा हंड गया है, तो इसीलिए मैं नया ले आया। और ये तानी भाभी ने दिया था ना, तानी भाभी गेव इट, तानी भाभी इज मम, अंगद्स मॉम। अंगद्स मॉम, यस। या बट ये इसका, इसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता। इट्स स्टिल नाइस बियर। So who told you that you need a replacement? Tani Bhabhi? No, Angad's mom said. Angad's mom said you need to replace it now it is old. It's fixed in India. अरे यार, इंडिया में मोची से काम करवा के आई है। ठीक है, मुसीबत ये हो गई है कि भाई इसने जो है चेक करके नेट पे रेट देख लिया कि हाउ मच दैट वॉलेट इज। नाउ शी इज नॉट विलिंग टू यूज इट, शी इज लाइक इट इज एक्सपेंसिव, आई डोंट वांट टू यूज इट एवरी डे, आई एम फीलिंग नर्वस यूजिंग इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? I brought it for you. You know, the main thing is the band is very large and it's very pale. So if I drop something on it while eating or whatever, I like it. Arey, band, we can always buy new from Amazon. Use it. I'm feeling just give me time. Give me time, batao. Kyunki ab itna bhi mehanga nahi hai. I found it expensive. Okay. BID, final check. Final check. Come on, do. It's okay. Okay, just a quick one. Yeah, no problem. It is important, all. It's okay. ये बहुत वैमी है इस बारे में ना। घर से निकलेगी तो गैस चार बार चेक करेगी कि भाई ओपन ना हो। गाड़ी छोड़ेगी तो चार बार दबाएगी जब तक सो टैं हॉर्न का सुनाई ना दे जाए कि तसल्ली हो जाए कि हाँ लॉक हो गई है, तब तक ये निकलती नहीं है। Which is good also. Okay, चलो। यार पुराना फोन है मगर इसके लिए नंबर नहीं मिलाना पड़ता, बस उठाओ सीधा कनेक्ट हो जाएगा रिसेप्शन से। Did you have one like that in India? A long time back, yes. Yeah. Obviously, everywhere in the world. ये यहाँ पे आइस मशीन और वाटर डिस्पेंसर फ्री मिलते हैं, माइक्रोवेव भी। पर्सिपनी, भगवान जाने कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ये शहर है जिसमें हम रुके हैं, न्यू जर्सी स्टेट में पड़ता है जो कि न्यूयॉर्क स्टेट के साथ है। सैंड्रा भी इतने टाइम से मॉन्ट्रियल रह रही थी अपने पापा के साथ, क्योंकि मैं वहां था नहीं तो इसीलिए, और बीच में थोड़ा सा काम भी था मॉन्ट्रियल में, मगर अब हम जा रहे हैं ऑटोवा। सॉलिड मॉनसून वाला मौसम हो रहा है यहाँ। सैंड्रा का मन था जी अमेरिका आया तो अमेरिकन स्टाइल ब्रेकफास्ट करने का, तो हम आ गए हैं छोटी सी विलेज में। और यहाँ पे ये फार्म हाउस करके ना रेस्टोरेंट है, मतलब आप लगा लो यहाँ के लोकल ही बनाते हैं। बट पार्किंग का चक्कर है, जो मीटर है ना ये बड़े पुराने स्टाइल वाले हैं, यूएस डॉलर के सिक्के तो हमारे पास है नहीं डालने के लिए इसके अंदर, तो इसीलिए ये ऐप से करते हैं। ये कहती है अंदर चले जाते हैं, वहां से चिल्लड़ मांग लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इतनी देर में कौन पकड़ता है। मैंने यहाँ पे बंदा देखा अभी चेक करके टिकट लगा रहा था, वो रहा लगा रहा। He's putting ticket. App is downloading. Okay. भाई सब आके सिक्के निकाल के लेके जा रहे हैं। ऑन द कॉइन देयर दे गो। ओके, पे फॉर 1 hour 25 cents is like 30 minutes. No problem. चलो। Okay. $1 लगे, they charge convenience fee also for the app. What the hell? If you had coins, you would have paid 50 cents only for 1 hour. 25 cents per half hour. Chalo, let's go. Local place. Badi sundar jagah hai yaar. It's very pretty, no? You've done it really well. Thank you. Okay. $16 to $22 के बीच में रेंज है। I will survive. Ready or not? Fly me to the moon. ये कॉकटेल के नाम है। Wow. ये आ गया खाना। Egg Benedict और regular breakfast. अंडे, ये baked potato होते हैं और साथ में बेकेट। चलो जी, पैसे पे ये प्लस 15% टिप, ये मिनिमम ऑप्शन थी। इस इलाके में शायद यही है, बड़ी भीड़ हो गई थी हमारे निकलते निकलते, बट अब टाइम आ गया, गाड़ी फिर से अपन ही चलाएंगे। पहले संडे ने थोड़ी सी चलाई थी, बट लास्ट टाइम फिर मैंने ले ली क्योंकि वो फोन पे काम करने की बहुत जरूरी वाले काम, जैसे कि रिसर्च कि कहां रास्ते में हमने जाना, तो पेट्रोल के रेट ठीक लगे हुए हैं, कहां खाना खाना है, कहां लंच है, डिनर है वगैरह। उसके बाद अब जैसे हम ट्रैवल व्लॉगिंग में आप लोगों को जो चीजें थोड़ी सी नजर नहीं आती ना, वो ये होती है कि हमको इतनी ना डिसीजन फटीग हो जाती है कि
हर तीसरे चौथे दिन, दूसरे दिन, अगले दिन जब हम एक्सटेंसिव ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें डिसाइड करना होता है कि आज कहाँ खाना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर बंदा जिसकी एक रेगुलर जॉब या सेटअप बिजनेस हो या एक ही जगह पर रहता हो, उसको नहीं सोचनी पड़ती कि आज मैं कपड़े कहाँ धुलवाऊंगा, आज मैंने खाना क्या है, आज मैं ये देखूँ कि भैया जो ऑप्शन हैं उनमें से सही रेट पर क्या मिल रहा है, आज मैंने होटल कहाँ रहना, आज मैं रात को सोऊंगा कहाँ, फिर हर चीज़ के लिए नेट पर सर्च करो। तो बंदा जो है ना माइंड एक लेवल पर आके मतलब थक जाता है कि यार मैं कितनी डिसीजन लूँ एक दिन के अंदर, कपड़े कहाँ प्रेस होंगे, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसीलिए डायनामिक व्लॉगिंग का ना एक ये एस्पेक्ट भी है जो बहुत सारे लोग ओवरलुक कर जाते हैं कई बार। रेडी? नो प्रॉब्लम। चलो ये पेट्रोल भरवाने का टाइम आ गया, ऑलमोस्ट खाली हुआ पड़ा है, 3.79 का लगा है। I fill up, you go pee-pee. You no need for pee-pee? No. Okay. नई चीज ट्राई कर रहे हैं, इसके अंदर शुगर भी 2 ग्राम है और बाकी वो जो आर्टिफिशियल शुगर इज आल्सो लिटिल लेस इन दिस, आई थिंक यू सेड दे हैव 2 ग्राम ऑफ रियल शुगर, नो एस्पार्टम, नथिंग लाइक दैट, बट सी दे इवन हैड बायोटिन। ओह, बायोटिन, ओके, नाइस, गुड फॉर द हेयर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे दुनिया भर की कॉफी अलग अलग तरह की लगी होती है, जौन सी मर्जी आप बना लो, जौन सी मर्जी ड्रिंक, आइस टी, सारी मशीन, ये स्लश वगैरह भी लगे हुए हैं, कोक, फैंटा, स्प्राइट, भर लो ग्लास में ले जाके। अब मैडम ने ग्रीन टी लिया तो ये इसके अंदर अपना जो है यहाँ पे क्रीमर और मिल्क ऐड कर लेंगे, हाफ एंड हाफ भी है तो यहाँ ये वाले भी डाल सकते हैं, तो एक ले लेगी अपना, और यहाँ से ये लेके अपना सामान आप जाते हो काउंटर पे और वहां पे जाके पे कर देते हो। पिज्जा वगैरह भी स्लाइसेस पड़े हैं, उठानी होती है। ये ट्रैवल स्टॉप है ना, बड़े गैस स्टेशन होते हैं, मतलब ये नॉर्मल पेट्रोल पंप की तरह नहीं होता, ट्रक ड्राइवर वगैरह भी यहाँ पे आके रुकते हैं, वैसे वाले मोटर होम में हम रुकते हैं ना शावर वगैरह के साथ। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट आर यू मेकिंग? नेचुरल केन शुगर, देयर इज अदरवाइज आल्सो जीरो ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी आरवी वालों के लिए फिर लॉन्ड्री, सीटिंग, सब कुछ है। ये बिग डॉग भी बहुत मिल रहे हैं यहाँ, बड़े पॉपुलर हो गए हैं सॉसेज के साथ ना, बहुत बड़े बड़े लपेट के देते हैं ये बड़े। पता नहीं कैसे ग्रीन टी बनाई है, हु एड्स मिल्क टू ग्रीन टी? ओके, नो प्रॉब्लम, टू ईच हिज ओन। चलो, चाय तो है नहीं ना यहाँ पे, कम टू इंडिया, चाय एवरीवेयर। You're in your line now? Yeah. हाँ जी, ब्रिज आ गया है बॉर्डर का, कोई 5-6 घंटे गाड़ी चलाने के बाद 1 घंटे और अपना घर यहाँ से दूर है, बड़ी सी नदी क्रॉस करेंगे, कनाडा में पहुंचेंगे। वही 4 सवाल उन्होंने पूछने, जनरली मैं सेंट्रो को इस साइड बताया था, अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया मैं ही बात कर लूंगा, क्योंकि मेरे को रट गया है कि क्या क्या बोलना है, उनको भी पता ही लग गया यार ये इतना आता जाता है, भेजो इसको। पीपल आर वॉकिंग अक्रॉस द बॉर्डर, इट्स अ नाइस डे टू डू दैट। सड़क स्टील की, लोहे की टाइप मटेरियल की है, बॉर्डर आ गया जी। इस बाइक के पीछे मैंने लगाया क्योंकि हो सकता है ज्यादा सवाल पूछेंगे, इवन तो इसका कि गाड़ियां कम है, पर मैंने कहा इधर ही लगा लेते हैं। चलो, वो जो स्टॉप साइन दिख रहे हैं ना, वहां पे रुकना होता है अनलेस सामने वाली गाड़ी क्लियर हो जाए। अगर आपको दिख रहा हो जैसे वहां पे सामने किसी का इंटरव्यू चल रहा है, कांगे मेरी उंगली ये नहीं, उधर इंटरव्यू चल रहा है, तब तक इसको यहाँ पे वेट करनी है, जब आगे खाली हो जाएगा तो ये गाड़ी आगे जाएगी। वही स्टैंडर्ड इनके सवाल होते हैं, जब पूछे भी हम रुके ऑन रूट पे, मैडम नीड्स टू गो टू पीपी ब्रेक, बट यही पूछा कि हाँ जी कितने टाइम के लिए आए हो, क्या लेके आए हो, क्या इंपोर्ट कर रहे हो। मैंने बताया वाइफ के लिए बस एक हैंडबैग लेके आया हूँ वहां से, और $600 कैनेडियन के बराबर इंपोर्ट अलाउ होता है, तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं होती, तो वो बनी नहीं हमारी क्योंकि उससे हमारा कम था हैंडबैग, बस यही कहते जाओ आ जाओ। मेरे ख्याल से उन्होंने ना नोट डाल दिया अपने सिस्टम में, ये कनेडियन सिटीजन का स्पाउस है, तो सिर्फ ज्यादा कुछ पूछते नहीं, तो अब बस घर पहुंचने का इंतजार है, 1.25 घंटे का रास्ता और रह गया। फाइनली पहुंच गया जी, अकड़ गए, बड़ी लंबी ड्राइव थी, बड़ा मजा आ गया, अपना होम भाई का और मोटर होम देख के चेक करना है भैया इसकी सिचुएशन क्या है, क्या क्या चीजें कर रही हैं, काम के नहीं कर रही, कैमरास भी इसके पिछली बार जो है सेट करने थोड़े से रह गए थे वो भी देखना है, प्लस मेन चीज़ मेरे को चेक करनी है कि पानी की कोई प्रॉब्लम तो ना हो, क्योंकि हमने छत पे छेद किए थे ना तारे कैमरों के अंदर डालने के लिए, एक बार वो भी सब चेक करूँगा, मगर ये काम हम करेंगे कल, क्योंकि फिलहाल थक भी बहुत गए हैं, प्लस माता जी से ना मिल लूँ। Yeah, they put a camera in the house also, so they can monitor mom also while they are gone. There is a camera inside.
अरे यू नीड टू रिंग इट नो यार मोली ओहो माता जी क्या हाल है वेलकम मेरे बड़े भाई के घर में हाँ थैंक यू ये घंटी में से आवाज आई है नहीं वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे अपनी अगली फ्लाइट की वेट कर रहा है क्योंकि वो पहुंच गया न्यूयॉर्क लाइटें जलाओ थोड़ी ये क्या क्रिसमस ट्री टाइप बना रखा है आपने तो यहां लाइटें पड़ी होंगी तो उन्होंने कर ला के चलो डेकोरेशन कर लेते हैं भाई टेबल तो बहुत बड़ी लगा सी न्यू डाइनिंग टेबल या वेरी नाइस सॉलिड लकड़ा है जैसे आपको पसंद है भारी भरकम पांच नंबर वाला पहला डाइनिंग टेबल बाहर से जो लोग आते हैं ना मतलब ये बाहर आते हैं इंडिया से तो फिर उनके माइंड में यही आता है कि जितना सिमिलर बना सके बना ले ये आ गया यार बोल रहे हाँ भाई हैं ये रिकॉर्ड कर रहा है तू हमें वहां से आई थिंक देयर इज अ लैग ही कीप्स सम आई ऑन मम्मी फ्रॉम हियर विद द कैमरा नाइस देखते हैं तो अच्छी बात है ना नजर रखी हुई है आपके ऊपर अच्छा बढ़िया कैमरे लगा दिए बहुत बढ़िया किया ये बाहर अंदर सब ओ हो तो ये है प्रोजेक्ट दिस इज द प्रोजेक्ट माय ब्रदर हैज बीन वर्किंग ऑन फॉर सो लॉन्ग विद सच ग्रेट डिफिकल्टी Very nice. There they will put artificial grass, artificial I think. Grass. Because it is difficult to maintain real grass. That is the lesson that they have learnt in last 2-3 years of experience in the front. Weed, हाँ यहाँ पे जो weed है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती है गांजे वाली नहीं मतलब जो unwanted घास होती है वो ज़्यादा और एकदम all of a sudden ये साफ सूफ होने के बाद बहुत बड़ा it started to look much bigger, no? बड़ा बड़ा लग गया हाँ. It looks like a place where you want to go and hang out. Yeah. अब यहाँ लगेगा वो. क्या बोलते हैं गजीबो आई थे गजीबो और जो है वो ग्रास बारबेक्यू हाय स्पा आपको पता है हमारी जो कॉटेज है वहाँ पे स्पा लग चुका है अच्छा हाँ पूरा प्रॉपर स्पा बोलते हैं मतलब जगूजी बहुत बड़ा अच्छा जो गरम गरम पानी होता है बाहर जैसे जो हाँ जो बेडरूम वाला एरिया ना उसको खोलो सामने वहाँ ताकि आप सर्दियों में गर्मी में लेक के सामने गरम गरम पानी के अंदर सीजन खत्म होने सीजन तो कभी खत्म होता ही नहीं ना वहाँ पे क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे जो है स्की रिजॉर्ट बन जाती है बाकी माता जी ने खाने की क्या तैयारी कर करके वो हो चाय डाली है मम्मी की चाय हाँ मगर चाय बस रखी थी तुम आ गए अच्छा थोड़ी ओके थोड़ी ओए होए किनुआ का पुलाव बना दिया वो कह रहे हैं किनुआ ही बना दो हाँ। बड़े दिन से पिज़्ज़े पास्ते खा रहे हैं सही बात चलो काली राजमा वाली दाल डाल दिस दाल हैज सम राजमा इन इट So be careful when you eat at night. राजमा खा के रात को इसका हजमा बिगड़ जाता है इसे हजम नहीं होते साला सारी रात मेरे को तकलीफ होती है बट एनीवेज आई एम हां ठीक है कोई बात आपके साथ सुला देंगे हां सुला देंगे बाकी ओ ये क्या ये भी मंगा दिया इन्होंने क्या ये वैक्यूम ऑटोमेटिक नाइस नाइस मिनट तो इसकी भी पहले पूरी मॉपिंग शॉपिंग वो मैपिंग करनी पड़ती है ना इसकी 3D में पूरे एरिया में हां करिए अपना सुबह 11 बजे एकदम चालू हो जाते हैं बाबूजी अच्छा और फिर मैं तो आजकल इतना कूड़ा होता नहीं हाँ। आधा घंटा घुमा के इसे घर वापस भेज देती हूँ अच्छा अपना चला जाता है सही है पर कभी कभी ना हाँ। उस सोफे के नीचे घुस जाता है अच्छा फिर मुश्किल होता है हाँ। उसको निकालना पड़ता है ओके इसका रास्ता बंद करा है उधर जाने का उधर ना जाए ठीक चलो बढ़िया हो गया अब जी सनी ने पहुंचना है उसका ले ओवर था न्यूयॉर्क में मेरी तो फ्लाइट ही न्यूयॉर्क में खत्म हो रही थी उसने टाइम से एयर कनाडा करा ली थी तो उसकी ऑटो ही आएगी तो उसको रात को 10 बजे के करीब अभी लेने जाऊंगा जैसे उसकी फ्लाइट आती है बाकी वापस पहुंच के बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो टेक्निकली 16 अगस्त होगी मेरा हैप्पी बर्थडे होगा बट अभी कनाडा में तो आपको पता टाइम पीछे चलता है तो थोड़ा शाम का टाइम है तो जो हमारा बर्थडे की हम छोटी मोटी कुछ करेंगे गेट टुगेदर सेलिब्रेशन वगैरह वो तो आप लोगों को अगले दिन देखने को मिलेगी बट आई एम श्योर आप लोगों की बहुत सारी विशेज आ रही होंगी इस वीडियो के ऊपर ही और कई कल वाली वीडियो पे भी आई हैं तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर गुड विशेज आप लोग हो वीडियोज हमारी देखते हो तो हमारा काम घर ट्रैवल सब कुछ चल रहा है और आप लोगों की दुआएं हैं तो भाई हम थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं और बहुत हमारी खुशियों में बहुत बड़ा रोल आप लोगों का भी है थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर गुड विशेस एंड सपोर्ट एंड लव इज इट बिगर देन योर्स इन सीसी कैपेसिटी यस एंड साइज एवरीथिंग इट्स बिगर देन माइन क्योंकि अब देख रहे हैं भाई भाई की मोटरसाइकिल गैराज में आ गई है ओए होए इट्स अ बैड बॉय हां तो सी इफ यू कैन सिट ऑन इट नो अभी हम चेक करना चाह रहे हैं कि मैडम ट्राई कर पाती है कि नहीं Yeah, that's comfortable. Yeah?
Yeah? Yeah, that I can ride, no problem. Oh, don't. It will start the siren or something up. I think the... Yeah, get off. Don't touch it. I think it has the security thing on it. Wow. Bhai, sab badi excitement ho rahi hai. Kal hi chalaunga. Yeah, the car is really nice. Yeah. The matte green. Mm. I like this part the best. Check the exhaust and everything. It's like super sexy. ये भी नया लगा इधर दिस इज न्यू बट द सोफा लुक द सेम या लास्ट टाइम व्हेन यू वर हियर इट वाज द सेम बट इट हैज बीन चेंज्ड दो हाय मजा इतने दिन सो ना मां ना बीवी दोनों बारी बारी दोनों की गोद में लेटूंगा थोड़ी देर माइंड रिलैक्स साला वहां से जासूसी कर रहा है जैसे मैं लेटू उधर से आवाज आई है माता खुश तो बड़ी होगी आज पूरी निगरानी रखी हुई है साले ने आजा 4 घंटे बाद तू भी डबल खुशी हो जाएगी